हेलो गाइस, डिजाइन शो टीचर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार और आज के इस लेक्चर में मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कैसे कुछ आप इस तरीके के बैकड्रॉप बना सकते हैं। हम यहां पर लाइटिंग लगाएंगे, मटेरियल्स लगाएंगे और यहां पर रेंडर करके देखेंगे। सो गाइस, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दे। वेल, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग सब एकदम फिटफाट करने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो बहुत बेसिक सा एक यहाँ पर मैंने लाइनअप किया है, दैट्स इट। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आपको ये वर्ल्ड मैप डाउनलोड करना है, वैसे मैंने लिंक नीचे दे रखी है, विंडोज पर जाएंगे, देन यहाँ पर आपका मेक श्योर इंटरनेट कनेक्ट हो और 3D वेयरहाउस को ओपन कर लेंगे। 3D वेयरहाउस को ओपन करेंगे, देन यहाँ पर पर्टिकुलर ये जो नेम दिख रहा है इसके अंदर यहाँ पर उनके प्रोफाइल में बेसिकली आपको मैप नाम से ये देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, देन उसके बाद अब उसको अप्लाई कर देंगे। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अब यहाँ पर आप जो गैप देख रहे हो बेसिकली 2 inches का है। बेसिकली यहाँ पर आप जैसा देख सकते हो ना, इसमें स्ट्रिप लाइट्स यूज की गई हैं। सो सीलिंग्स पर मैंने कुछ लाइट लगा रखी है। वेल, अभी मैं इसके कुछ सेटिंग्स भी आपको दिखाने वाला हूँ। सो स्टे कनेक्टेड। वेल, अब आपको करना क्या है, बिकॉज अभी आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो तो इसके पीछे से लाइट ऐसा ब्लिंक कर रहा है ना। सो यहाँ पर आपको करना क्या है, बेसिकली ये जो सेम आपका मॉडल है, बस आपको यहाँ पर ऐसा सेलेक्ट करना है, ऐसे देख सकते हैं, कंट्रोल होल्ड करना, जिस होल्ड नहीं करना, बेसिकली क्लिक करना और इसके पीछे भी एक और ऐसा इसको कॉपी कर दे कुछ इस तरीके से, ठीक है। करने के बाद ये जो पीछे वाला आपको हिस्सा है इसको आप यहाँ पर डायरेक्टली मैश लाइट में चेंज कर सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर चीज के ग्रुप में जाएं, देन आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आपका ये ऑप्शन विजुअल है। बट क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों के दोनों कॉम्पोनेंट है, इसलिए आप एक को मेक यूनिक कर लें, जिसकी वजह से अब आप पर्टिकुलर एक के अंदर ही अप्लाई करेंगे और उसी में सिर्फ अप्लाई रहेगा। गाइज, ये करने के बाद आपको कुछ इस तरीके के ये हिडन लाइंस के अंदर दिख रही हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं एक बार कुछ जो सेटिंग्स हमने कर रखी हैं वो देखते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ आपके लाइट सेटअप के अंदर। एंड यस, देख सकते हैं हमारा ये जो लाइट है, तो इसको मैं रीनेमिंग कर देता हूँ मैप। जो हमारी रेक्टेंगल लाइट है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। वेल, यहाँ पर मैंने इसका इंटेंसिटी 30 दिया है और इसको मैं रेडियन पावर के अंदर W में चेंज कर दिया। डिस्क साइज 3.3 है और डायरेक्शनलिटी मैंने 0.69 रखा है। 3.2 मेरा जो है रेक्टेंगल लाइट का साइज है, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइट के अंदर हमें क्या सेटिंग्स करनी होगी, बट बिफोर टेकिंग एनी सेटिंग्स हमें यहाँ पर टेस्ट रेंडर करने चाहिए, ठीक है। सो वेल, आप देख भी सकते हो स्टिल अभी किस तरीके का यहाँ पर ग्लो है। यहाँ पर मैंने एक चेंजेस और की हैं, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सेटिंग पर जाएंगे, देन यहाँ पर आपके पास ये कैमरा दिख रहा है। यहाँ पर मैंने ईवी की वैल्यू को 12 कर दिया है। जैसे जैसे आप डिक्रीज करोगे वैल्यू, वैसे वैसे आपकी जो इंटीरियर स्पेस है उसमें लाइटिंग ज़्यादा ग्लो करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एनवायरमेंट को अनचेक कर रखा है और यहाँ पर सनलाइट को भी ऑफ कर रखा है। गाइस, यहाँ पर सिर्फ इतना करने से कुछ ऐसा इम्पैक्ट है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ये जो ग्रूविंग्स हैं आप कुछ इस तरीके से दे देंगे। वेल, मैं इसके बैक साइड से मॉडलिंग दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। आपको यहाँ पर पुश कमांड लेना होगा और यहाँ पर हल्का सा इसको ऐसे पुश कर दे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मत करना, ठीक है। -1/4 आप कर सकते हैं। वेल, मैं डबल क्लिक करूंगा तो सेम कमांड्स मेरी उसमें भी अप्लाई हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फेसेस हैं आप इनको ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे नॉर्मली, एंड या मैं वन बाय वन करके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके मैंने इसको कर दिया ग्रुप। ग्रुप करने के बाद आप यहाँ पर इसको भी मैं स्लाइड में असाइन कर पाएंगे इजिली। यहाँ पर मैं वापस से जाऊँगा, लेट मी टेक द व्यू एंड देखते हैं रेंडर किस तरीके का है, एंड देन यहाँ पर हम जो है और मटेरियल्स को अप्लाई करेंगे और उसकी वजह से इम्पैक्ट को हम देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके कॉर्नर में किस तरीके से यहाँ पर लाइट आ रही है, बिकॉज अभी जस्ट हमारी डिफॉल्ट सेटिंग्स है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर फटाफट से हम जो है मटेरियल्स इसको भी अप्लाई कर लेते हैं। वेल, अब सेलेक्शन जो है अच्छे से यहाँ पर कर ले। सो मैं यहाँ पर इन 3 मटेरियल्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब 3 फेसेस को। मटेरियल लिस्ट में जाऊंगा, यहाँ पर वॉलपेपर एंड पेंट में जाऊंगा, देन यहाँ पर मैं सिंपली फर्स्ट नंबर मटेरियल को मैं असाइन करता हूँ। सेंटर में यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा वुडन काइंड ऑफ चाहिए, जिसमें मैं ये वाले मटेरियल को डाल सकता हूँ एंड हैव अ लुक। जैसा यहाँ पर दिख रहा है ऑलमोस्ट वैसा ही है। एंड या अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका टेक्स्चर साइज को चेंज कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 60 cm। एंड या अब दूसरे मटेरियल को यहाँ पर हम एडिट करते हैं, यहाँ पर भी डाल देते हैं हम 60 cm, जिससे कि हमारे साइजिंग सही हो जाएगी। अब यहाँ पर हम अगेन एक बार रेंडर करके देखते हैं। अभी आप देख भी सकते हो कितना अच्छा लग रहा था, बट स्टिल
अब यहाँ पर इम्पैक्ट देखो, पहले से बेकार लग रहा है। तो यहाँ पर मेरे कहने का और सिखाने का मतलब ये है आपको गाइस कि मटेरियल की वजह से भी लाइटिंग पर आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ती है, इसलिए यहाँ पर लाइटिंग की सेटिंग हमें और कुछ करनी होगी। सो एक तो ये मैप है जो आपके ग्लोबल मैप पर लगा हुआ है एंड मैंने दिखाया कि किस तरीके से आपको ओवरऑल करना है। अगेन यहाँ पर आप इसको वॉट कर देंगे और यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी 100 पर चेंज कर देता हूँ। आप चाहते कलर्स चेंज करना तो कर सकते हैं। वेल यहाँ पर जो स्प्रेड होगा वो आपके बैक के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर इसको मैं 150 का अराउंड लेता हूँ एंड अगेन मैं इसको वॉट पर चेंज कर दूंगा। लेट्स टेक द रेंडर। हमारी जो ईवी वैल्यू है वो हमारी काफ़ी अच्छी खासी है। वेल यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर जो टॉप मॉडल है मॉडल में सेम अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्लैक मटेरियल है, तो इसके लिए ब्लैक मटेरियल भी बना लेते हैं। देन यहाँ पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जेनरिक मटेरियल पर मैं जाऊँगा। यहाँ पर मैं इसको बैक करके यस ब्लैक दे देते हैं। रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या, मैं बहुत ज़्यादा मत करना, बहुत मिनिमल करना होगा बिकॉज ये ऑलरेडी ग्रे कलर है तो शाइनिंग उसमें काफ़ी सारी ऑलरेडी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया और मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर ना कि किस तरीके से आपके इम्पैक्ट यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। वेल अगर आपको वीरे कोर्स लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, काफ़ी बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, नीचे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपके सामने इम्पैक्ट है वो कुछ इस तरीके का है। ये जो आपको हाईलाइट्स दिख रही हैं ये हम डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जाना होगा डायरेक्टली एक्सपोजर में। देन यहाँ पर हाईलाइट बर्निंग अगर मैं इसको डिक्रीज करता हूँ तो लेट्स सी यहाँ पर जो भी था आपका पहले से डाउन हो गया। सो एक तरीका था जिससे कि आप यहाँ पर कुछ इस तरीके का रियलिस्टिक निकाल सकते हैं। कुछ आपको मैंने सेटिंग्स बताई, लाइट की सेटिंग्स बताई, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।